परिवार में एक ही धर्म रूपी धारणा होनी चाहिए। जो धारणा ऊंचे से ऊंची धारणा हो, क्या है ऊंचे से ऊंची धारणा? भूल गए, धारणा। जो बुद्धि में धारण की जाए सदाकाल आत्म की स्थिति, स धर्म, स्व माने आत्मा, स्वधर्मे निधनम से यह, अपने धर्म की स्मृति में मृत्यु हो जाए कोई परवाह नहीं। तो ये ऊंचे से ऊंचा धर्म हो पूरे परिवार का, ऐसे परिवार की स्थापना करता है, नई दुनिया उसे कहा जाता है। भाई आत्मा है तो बहुत सूक्ष्म, इतनी सूक्ष्म है कि न आंखों से भी नहीं देखी जाती, जैसे कोई मलेरिया के रोगी के कीटाणु बहुत सूक्ष्म होते हैं तो उनको यंत्रों से देखते हैं, इन आंखों से नहीं दिखाई देते। तो जब इन आंखों से नहीं देखा जाता है और यंत्रों से भी नहीं देखा जाता है, इसका मतलब उन कीटाणुओं से भी अति सूक्ष्म है। तो ट्रायल करने की बात है, क्या ट्रायल किया डॉक्टर लोगों ने? ट्रायल किया मरते हुए व्यक्ति को शीशे में बंद कर दिया, शीशे में बंद करके देखें, शीशे में बंद करके देखना, इन आंखों से देख नहीं सकेंगे। तो फिर देखेंगे कैसे? शीशा फट गया, दिखाई फिर भी नहीं दी, तो क्या देखेंगे? तो देखो, दुनिया में तुम्हारे जैसा एजुकेटेड कोई भी नहीं है, ऐसी नॉलेज वाला। बाकी इतना जरूर है कि तुम बच्चे भी नंबरवार हो। वेदों में भी लिखा है मन रेव आत्मा, मन ही आत्मा है। फिर गीता में भी लिखा है बुद्धि है और मन है, ये दो शक्तियां आत्मा हैं। और मन में और बुद्धि में पूर्व जन्म के और इस जन्म के किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का जो प्रभाव पड़ता है वो संस्कार है। तो मन, बुद्धि और संस्कार शक्ति,
ये तीन शक्तियां मिलकर के आत्मा बनती है। भगवान भी आत्मा है, ब्रह्मा उसका मन है, शंकर तीसरा नेत्र बुद्धि है, और विष्णु संस्कार परिवर्तन शक्ति है। ये तीन शक्तियां मिलकर के संसार की पैदाइश करती है, संसार का निर्माण करती है।